ये पृथ्वी है। आप इस विशाल से दिखने वाले ग्रह में कहीं रहते हो और हर कोई चीज जिसके साथ आपने कभी भी इंटरैक्ट किया है वो इसी ग्रह में है। पर ये इतना विशाल ग्रह ब्रह्मांड के तुलना में कितना बड़ा है? कंपैरिजन के लिए हम लेते हैं चांद को, तो चांद पृथ्वी से काफी नजदीक लगता है क्योंकि यही एक चीज है जिसे हम रात में बहुत क्लियरली देख सकते हैं। बट एक्चुअली में चांद हमसे इतना नजदीक नहीं जितना हम सोचते हैं, चांद हमसे बल्कि इतना दूर है। इस दूरी के बीच लगभग 30 पृथ्वी और आ जाएंगे, और अगर हम एक कार में किसी तरह चांद में जा सके 100 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड में तो हमें 160 दिन लगेंगे। चांद पे पहुंचने के बाद पृथ्वी का दृश्य कुछ ऐसा लगेगा। तो पृथ्वी काफी बड़ी लग रही है, राइट? अब देखते हैं यही नीले रंग का ग्रह मार्स से कैसा दिखता है। तो ये एक तस्वीर है जो ली गई थी मार्स से स्पेस प्रोब द्वारा। ये छोटा सा डॉट जो आप देख रहे हैं वो है हमारी पृथ्वी, जो ऐसी दिखती है मार्स के सतह से। मार्स की एवरेज दूरी हमसे है 225 मिलियन किलोमीटर्स, जो यहाँ तक कि 400 मिलियन किलोमीटर्स तक भी पहुंच सकती है। तो इसका मतलब अगर हमें एक दिन मार्स जाना पड़े तो हमें चांद से 986 गुना ज्यादा लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। यहाँ तक कि रोशनी की किरण को भी 20 मिनट लग जाएंगे यहाँ से पृथ्वी तक पहुंचने में, जिसका मतलब इंस्टेंट कम्युनिकेशन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा इन दो ग्रहों के बीच। अगर हम थोड़ा और दूर जाएं तो हम ढूंढ सकते हैं वॉयेजर 1 स्पेस प्रोब को, जो अब तक का इंसान द्वारा बनाया गया सबसे दूर उड़ने वाला स्पेस क्राफ्ट है। इसकी दूरी हमारे पृथ्वी से 138 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है, जहां एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है पृथ्वी से सूरज का डिस्टेंस। अपने सफर में कभी वॉयेजर 1 ने अपने कैमरा को पीछे करके ये तस्वीर निकाली। ये देखने में तो इतना कुछ नहीं लगता है, लेकिन ये पूरे इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। ये सफेद नीले रंग का डॉट हमारी पृथ्वी है। ये हमारा घर है, यहीं अरबों लोगों ने जन्म लिया और अपनी पूरी जिंदगी काटी है। यहीं सभी ने सुख और दुख दोनों देखा है। यहीं सारे धर्म और धर्म बनाने वालों ने जन्म लिया है। हर राजा, रंक, संत और पापी ने इंसानियत के इतिहास में अपनी जिंदगी यहीं काटी है। और ये यहाँ से सूरज की सफेद रोशनी में इतनी छोटी सी चीज दिखाई दे रही है। वॉयेजर 1 17 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड में ट्रैवल कर रहा है। इतने स्पीड में भी वो हमारे सूर्यमंडल यानी सोलर सिस्टम के बाहर आने के लिए 30,000 साल तक नहीं निकल पाएगा। एक बार हम सूर्यमंडल से बाहर निकल पाए तो हम पहुंचते हैं जिसे कहते हैं इंटरस्टेलर नेबरहुड में, मतलब ये सब हमारे सूर्यमंडल के पड़ोसी है। यहाँ हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स से बढ़ के लाइट ईयर्स में दूरी मापते हैं। एक लाइट ईयर मतलब उतनी दूरी जो एक रोशनी की किरण एक साल में तय करती है, जो होता है 9.461 ट्रिलियन किलोमीटर्स। सूरज के अलावा हमारे सबसे नजदीक का सितारा जिसे कहते हैं प्रोक्सिमा सेंटोरी हमसे फिर भी 4.24 लाइट ईयर्स दूर है। अगर वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट उसकी ओर बढ़ने लगा तो उसे 70,000 साल लगेंगे उस स्पीड में वहां तक पहुंचने में। अगर हम थोड़ा और जूम आउट करते हैं तो हम देख सकते हैं पूरे मिल्की वे गैलेक्सी को। इसके ही अंदर हमारी पृथ्वी है। ये पीला डॉट हमारे रेडियो ब्रॉडकास्ट सिग्नल का रेंज है, जिसका मतलब कोई भी एलियंस अगर ये रेंज के बाहर है तो उन्हें इंसानों की मौजूदगी का कभी भी पता नहीं चल पाएगा। हमारा पूरा गैलेक्सी एक कोने से दूसरे कोने तक 1,00,000 लाइट ईयर्स बड़ा है। यहाँ लगभग 10,000 करोड़ सितारे और 10,000 करोड़ प्लैनेट्स है, लेकिन आप इन सबको रात में कभी नहीं देख पाओगे क्योंकि 99% सितारे जो आप रात में देख सकते हो वो सिर्फ इतने छोटे से एरिया के अंदर होता है। लेकिन ये इतना विशाल गैलेक्सी कुछ भी नहीं है उसकी तुलना में, जिसका ये भी एक भाग है। जूम आउट करने पे हम देख सकते हैं जिसे कहते हैं लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज। ये हमारे आसपास स्पेस का एक ऐसा हिस्सा है जो एक कलेक्शन है 54 अलग गैलेक्सीज का, जो फैले हुए हैं 1 करोड़ लाइट ईयर्स की दूरी तक। बट और जूम करने पे हम देख सकते हैं वर्गो सुपर क्लस्टर को, जिसका लोकल ग्रुप एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। यहाँ एक कोने से दूसरे कोने तक दूरी 11 करोड़ लाइट ईयर्स है। बट ये इतना बड़ा सुपर क्लस्टर भी एक रेती भर का दाना है बड़े लैनिकिया सुपर क्लस्टर का, जो हमारे गैलेक्सी जैसे 1,00,000 और गैलेक्सीज का घर है। यहाँ दूरी एक कोने से दूसरे कोने तक चौंकाने वाली 52 करोड़ लाइट ईयर्स है। बट यहाँ से भी अगर हम जूम आउट कर सके पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स तक, तो हम देख सकते हैं कि टाइटैनिक लैनिकिया सुपर क्लस्टर भी एक बहुत ही छोटा सा भाग है ब्रह्मांड के वो हिस्से का जिसे हम आज तक देख पाए हैं। ये है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स और इसके अंदर वो सब कुछ है जहाँ तक हम आज देख पाए हैं।
यहाँ पे कम से कम 2,00,000 करोड़ गैलेक्सीज है और इन सब गैलेक्सीज में मिलजुल के इतने सितारे हैं जितने रेती के दाने पृथ्वी में भी नहीं है। हमारे पृथ्वी से ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के किसी भी कोने तक दूरी है 4,650 करोड़ लाइट ईयर्स, जिसका मतलब है इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की पूरी लंबाई है 9,300 करोड़ लाइट ईयर्स। बट इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि ब्रह्मांड के इस दिखने वाले हिस्से के पार क्या है। इतना ध्यान रखिए कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स वो सब कुछ है जो हम आज देख सकते हैं आधुनिक टेलीस्कोप्स के मदद से, और ये बिल्कुल मुमकिन है कि इसके पार का ब्रह्मांड और कहीं ज्यादा विशाल और कहीं ज्यादा रोमांचक है। हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते कि आगे और क्या क्या हो सकता है, क्योंकि उतनी दूर से रोशनी आज तक हमारे पृथ्वी तक कभी पहुंच ही नहीं पाई और शायद कभी पहुंच भी नहीं पाएगी, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड का विस्तार यानी यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है रोशनी से भी तेज गति से। तो इसका मतलब साफ है कि अगर इंसान करोड़ों सालों तक और भी टिक जाए, लेकिन ब्रह्मांड में ऐसी कई जगह होगी जो हमेशा हमसे छुपी ही रह जाएगी, चाहे हम उन्हें ढूंढने की कितनी भी कोशिश कर ले। कॉस्मिक इन्फ्लेशन थियरी के कैलकुलेशंस के हिसाब से पूरा यूनिवर्स 150 सेक्सटिलियन गुना बड़ा हो सकता है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के कंपैरिजन में। ये नंबर कुछ इस तरह दिखता है, ध्यान से देखिए इस नंबर को, इसमें इतने जीरोस है कि आप बिल्कुल चौंक ही जाओगे। कंपैरिजन के तौर पे अगर आप सोच सके कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स एक फुटबॉल के साइज का है, तो पूरा यूनिवर्स उसके सामने हमारे पृथ्वी के साइज के बराबर होगा। बस सोचिए कि हम रह रहे हैं एक फुटबॉल के अंदर और हमें कोई भी आइडिया नहीं है कि हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल है। बट इससे हमें घबराना नहीं चाहिए, इसके विपरीत हमें ये सोचना चाहिए कि इस विशाल ब्रह्मांड में हमारे लिए कितना कुछ है आगे खोज करने के लिए। तो ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया और इससे नया कुछ जरूर सीखने मिला। तो आपकी क्या राय है इस विशाल ब्रह्मांड के बारे में, क्या ये आपने जितना सोचा था उससे ज्यादा विशाल है या उससे कम? कॉमेंट्स कीजिए नीचे, हम सुनना चाहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और ऐसे ही साइंस वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिए। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।